गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे मैथ का। इसमें रिपीटेड एडिशन है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड एडिशन, लेट अस सी एडिशन वेयर द सेम नंबर इज़ एडेड अगेन एंड अगेन। हमने जो एडिशन है वो पहले सीख लिया था, और हम ये वाला अब करेंगे, नंबर इज़ एडेड अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा नंबर है जो ऐड करने हैं। जैसे ये 3 फ्लावर्स हैं, 1 2 3 प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3, इनको मतलब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए जी, 9 फ्लावर्स हो गए जी। सारे इसने जहाँ बना दिया और 9 फ्लावर्स हो गए टोटल। आगे आगे बेटा, हेयर वी आर एडिंग द नंबर 3 3 टाइम्स। जो 3 नंबर है उसको 3 बार हमने ऐड कर लिया, और कितना आ गया, 9। जैसे हम मल्टीप्लाईज या टेबल में बोलते हैं 3 3 या 9, ऐसे ही आ गया जी। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, जो 4 4 बनानाज बनाए गए हैं, जब 4 4 लिखना है आपने, 4 4 बनानाज हैं, 4 4 बनानाज को हम 3 times 4 4 बनाना बनाए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 4 या 12, जहाँ 12 आ जाएगा, 4 3 या 3 4 जा। आगे बेटा आ गया, जे बक्स पड़ी हैं, 3 times 2 = 6। जे 3 बार 2 2 बास्केट्स पड़ी हैं, 2 2 2। जे 3 times 2 2 पड़ी हैं, तो हम इसको करेंगे 3 times 2, मतलब 3 2 या 6। जे आगे जहाँ टोटल हम लिख देंगे 6 बक्स, मतलब जैसे मल्टीप्लाई ये वैसे है जैसे हम टेबल पढ़ते हैं। आगे आ गया 1 2 3 4, 4 नंबर आ गया जहाँ, 1 2 3 4, जहाँ भी 4 आ गया, 1 2 3 4, जहाँ भी 4 आ गया, कितनी बार 4 4 आ गया, 3 times 4 4 आ गया, 1 2 3, 3 times 4 4 आ गया, 3 4 जा 12, जहाँ 12 फुटबॉल्स आ गया। मतलब जितने टाइम जे 4 4 आए हैं उनको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, टेबल पढ़ना है 3 का 4 के 4 तक। आ गया बेटा मल्टीप्लीकेशन एज रिपीटेड एडिशन, द साइन, साइन क्या होता है मल्टीप्लीकेशन का, जे वाला साइन है क्रॉस वाला, इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन। जे वाला जो साइन है, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है, मल्टीप्लीकेशन। रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर कैन बी डन बाय मल्टीप्लीकेशन। ये 2 + 2 + 2 + 2, ये कितने हो गए, 8। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 × 4, 2 4 जा, जैसे हम टेबल में लिखेंगे 2 4 जा 8, और 4 times 2 = 8, 4 2 जा 8। आगे आगे बेटा, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, 4 times 2, 4 2 जा 8 आ गया भाई। जे आ गया 3 + 3 + 3, जे क्या आ गया, 3 times, जहाँ हम लिखेंगे 3 times 3 times 3, और इसको लिखेंगे 3 × भी बोलते हैं इसको बेटा, 3 × 3, 3 3 जा। आगे आगे बेटा 1 2 3 4, जो 4 4 कैप्स हैं, 1 2 3 4, 4 बार 4 4 आ गए, हम लिखेंगे 4 times 4 और 4 × 4। आगे आगे बेटा, ये 5 times 5 आए हुए हैं, 5 times 5 और 5 × 5। आगे नेक्स्ट पेज पे, 100 पेज पे, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय रिपीटेड एडिशन। ये 4 बार 3 3 लिखे हैं, तो इसको हमने लिखा है इज 4 × 3। इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार लिखे हैं, तो लिखेंगे 7 × 5, 1 2 3 4 5, जहाँ 5 बार लिखे हैं तो हम लिखेंगे 5 × 8, मतलब 5 8 जा, जैसे हम आप टेबल में लिखते हैं 5 8 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ हम लिखेंगे 8 7 जा, 1 2 3 4 5 6, जहाँ हम लिखेंगे 6 × 4 या 6 4 जा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8
सिक्स जा जा एट इंटू सिक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 into 9, 7 4 9 जा। हाँ जी बेटा, आगे 103 पेज पे है, पहले पेजों पे ये टेबल दे दिए गए हैं, जैसे हम टेबल करते हैं ये दिखाए गए हैं कि कैसे करने हैं। 1 5 जा 2 5 जा 3 5 जा 4 5 जा ऐसे दिखाए गए हैं। आगे हम जो जंपिंग टेबल होते हैं, जैसे जंबल टेबल होते हैं, वैसे हम करेंगे। 3 2 जा, 3 का टेबल आपको आना चाहिए। 3 2 जा कितना होता है? 6, जहाँ हम लिखेंगे 6। 4 5 जा 20, 4 जा 5 का टेबल आपको दोनों का आना चाहिए। 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 20, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। 3 का टेबल भी आप बोल सकते हो, 3 का आपको 10 तक बोलना पड़ेगा। आगे बेटा 6 का टेबल आपने बोलना है, जहाँ 6 5 जा आता है वहाँ आपने लिखना है 6 5 जा 30। 8 का टेबल आप 10 तक बोलोगे तो 8 10 जा 80। 1 3 जा 3, 6 2 जा 12। बेटा जो 104 पेज पे टेबल बुक की तरह है जी, टेबल लिखे हुए हैं सारे, ये सीधे टेबल लिखे हुए हैं, इसमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया हुआ। ये है 2 का टेबल, ये है 1 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10, आप जहाँ से टेबल भी याद कर सकते हो, आप जहाँ से टेबल याद करने हैं आपने अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।